ऋतिक रोशन ने ट्वीट किया है मूवी के बारे में, हालांकि उन्होंने मूवी नहीं देखी है, बट यार ये आदमी हर बार दिल क्यों जीत लेता है? एक ही दिल है ऋतिक भैया, क्यों क्या करोगे? उंगली एक ले ली है हमारे, दिल भी ले लोगे क्या? अपने भैया मैडी की रोगेटरी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और अभी तक नहीं देख के आए हो तो भाई तुम बहुत प्यारी मूवी मिस कर रहे हो। सबसे पहले तो यार जाके वो देख आओ, देख लिए तो डू लेट मी नो थ्रू कमेंट्स कैसे लगी आपको रोकेटरी। और अब हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रोवर्सी की, जो अपने लास्ट इंटरव्यू में माधवन ने कहा था कि शाहरुख खान ने ना बिना पैसे के काम किया, सूर्या भाई ने बिना पैसे का काम किया, इवन देयर जो मेकअप टीम थी, ट्रैवलिंग कॉस्ट थी, वो भी उन लोगों ने ली कि हम अपने खर्चे पैदा करेंगे, तो चिल कर यार, तो इन्जॉय कर, तो फिल्म बना। उसके बाद क्या होता है, फिल्म बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट करना चाह रहे होते हैं, आई थिंक हर एक यूट्यूबर के पास गए थे यार माधवन, हर कहीं से प्रमोट करना चाहिए, बट उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बोलो जितने मेरे फ्रेंड्स रह चुके हैं बॉलीवुड के अंदर, मैंने सबको मैसेज किया, बट किसी ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया, एंड नोबडी वाज रेडी टू प्रमोट इट, और सोशल मीडिया पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। आई डोंट नो व्हाई दे आर अगेंस्ट मी, बट समझ नहीं आ रहा यार ऐसा क्यों कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी अपसेट विद वन एंड ओनली अक्षय कुमार, क्योंकि उन्होंने मंगलयान जैसी फिल्म बनाई थी, तो भैया प्रमोट करना तो बनता था, क्योंकि मंगलयान जिस टेक्नोलॉजी से ऊपर गया था लिक्विड इंजन से, वो तो हमने ही बनाया था, यानी कि नम्बी नारायण जी ने बनाया था, तो उनके लिए तो फिल्म को प्रमोट करना ही था। लेकिन इन सब के बाहर आए ऋतिक रोशन, और ऋतिक रोशन ने ट्वीट किया है मूवी के बारे में, हालांकि उन्होंने मूवी नहीं देखी है, बट यार ये आदमी हर बार दिल क्यों जीत लेता है? एक ही दिल है ऋतिक भैया, क्यों क्या करोगे? उंगली एक ले ली है हमारे, दिल भी ले लोगे क्या? बाकी चलो छोड़ो, मैं आपको ऋतिक रोशन का ट्वीट बता देता हूँ, हालांकि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। द ब्रिलियंट वर्ड ऑफ माउथ फॉर हैशटैग रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट हैज लेफ्ट मी विद फोमो, सो हैप्पी फॉर द फ्रेंड @ एक्टर माधवन। अगर आप इनको ट्विटर फॉलो नहीं कर रहे तो जाके कर लेना। हु गेव इट हिज हार्ट एंड सोल, कांग्रेचुलेशन ऑन योर डायरेक्टोरियल डेब्यू मैडी एंड द एंटायर टीम ऑफ रॉकेटरी, कांट वेट टू वॉच दिस इन थिएटर। तो सबसे पहले धन्यवाद कहेंगे अपने ऋतिक भाई साहब को, थैंक यू सर, एंड दिस इज द गाय जो हर बार ना बहुत कुछ ऐसे सबको ताप टूप के अपने साथ निकल लेता है इस राइड के ऊपर, यानी कि सच का सही का साथ देने के लिए। इससे पहले भी काफ़ी सारी मूवीज पे इन्होंने कमेंट किया था जिनके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा था, एंड व्हेन देयर वाज नो वन टू सपोर्ट विद्युत जामवाल, ही वाज द वन, जब उन्होंने जाके विद्युत जामवाल के साथ इंस्टाग्राम लाइव किया था कि भाई तू यार बहुत सही है, डर मत, लगा पड़ा रहे, क्योंकि विद्युत जामवाल कुछ टाइम थोड़ा ऐसा हो गया था कि यार इंडस्ट्री में काम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, आउटसाइडर के लिए देयर इज नो स्पेस, बट ये आदमी ऐसा है जो हर बार रहना ऐसा विश्वास दिलाता है कि हाँ आउटसाइडर्स के लिए भी स्पेस है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि बाकी बॉलीवुड क्यों प्रमोट नहीं कर रहा, क्यों साथ नहीं दे रहा अपने मैडी भाई का, डू लेट मी नो थ्रू कमेंट। बाकी मैं तुमसे बहुत जल्द नई न्यूज़ अपडेट्स नहीं बातों के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।